जल्दी आओ। चलो। हरेन, हरेन, इधर आओ। क्या हुआ सरपंच जी? इस नए मास्टर की वजह से उस गुंगे ने, जिसके खुलेआम चलने फिरने पर हमने रोक लगाई थी, उस स्कूल जाकर मेरे पोते को बुरी तरह से मारा पीटा। कल जो मेरे पोते के साथ हुआ था, वो कल या आज आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। हाँ, मास्टर जी उसे क्यों स्कूल ले गए? अरे भाई, स्कूल में पढ़ना लिखना आम बच्चों के लिए ही कठिन है, वहाँ एक अपाहिज पढ़ाई कर सकता है भला? मास्टर जी ये बात जानते होंगे, फिर भी उसे स्कूल क्यों ले गए? जरूर दाल में कुछ काला है। अरे भाई, पूरे के पूरे दाल ही काले हैं। उस दिन मैंने खुद अपने आंखों से देखा था, मास्टर जी उस गुंगे की बहन के साथ, क्या नाम है उसका, कृष्णा, कृष्णा, उसके साथ उस नए मास्टर ने गुट्टरगू कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर ऐसा कर सकता है। उसके भोले चेहरे पर मत जाओ भाई। उसके साथ मेरा कौन सी दुश्मनी है जो मैं उसके खिलाफ बातें बनाकर आप सबको भड़काऊंगा? इस खतने के बारे में सरपंच जी ने मुझे उसी दिन आगाह किया था। हाँ हाँ, मुझे भी। हाँ, अगर मास्टर जी और कृष्णा के बीच कुछ है तो अच्छा ही है ना, दोनों का ब्याह रचा देंगे। बहुत अच्छा सोच विचार है तुम्हारा, ब्याह रचा देंगे। लेकिन कल अगर हमारे गांव के उस अबला को छोड़कर वह वापस शहर चला जाए तो? ऐसा नहीं भी तो हो सकता है। मान लिया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि उस गुंगे के खिलाफ हम कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। आप क्या चाहते हैं सरपंच जी? गुंगे को स्कूल जाने से रोकना होगा। अब दिक्कत है सरपंच जी, मैं गांव के भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? आंदोलन। तो अब हम स्कूल जाना होगा। तो चलो सर। चलो 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 चलो। सही तरीके से हड़ताल करके करो शुरू। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गुंगे को निकल बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। मास्टर जी को स्कूल से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। मास्टर जी को स्कूल से। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इन सब झमेले में मत पड़ा कीजिए। हम पुलिस के मदद लेंगे सर। यह आपके शहर नहीं है अभिजीत। तो फिर क्या किया जाए सर? उनके मांगों को पूरी करो। लेकिन नहीं तो भुगतो। मैं गांव वालों के साथ एक बार बात करना चाहता हूं सर। नहीं नहीं नहीं, बुलबुल को स्कूल लाने का जिद छोड़ दो, क्योंकि गांव वाले जिद पर अड़े हैं। मैं तो कहूंगा तुम जाकर उनसे माफी मांगो। हाँ हाँ, जाओ माफी मांगो। ठीक है सर। हमारे मंगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गुंगे को निकल बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। गुंगे को निकल बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। गुंगे को निकल बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। हमारे मंगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गांव वालों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मेरे वजह से आप लोगों को परेशान होना पड़ा। अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि इसमें उस बिचारे का दोष क्या है? क्यों आप लोग उसके पढ़ने लिखने के खिलाफ हैं? वो भी तो आपके और हमारे जैसा इंसान ही तो है। जब मैं उसे पहले बार स्कूल में लाया था, तब बच्चे ने भी उसकी प्रतिवाद की थी। लेकिन जब बच्चे को उसके हुनर के बारे में पता चला, तब सभी ने उसे अपनाया। अपनाने का अच्छा सलूक दिया है गुंगे ने। कल मेरे पोते को पूरी तरह से पीटा था, आज किसी दूसरे को पीटेगा, और हम बैठे बैठे इस खेल का मजा लेते रहेंगे कि कब कोई अनहोनी हो जाए। और मैं पूछना चाहता हूँ, उस अपाहिज के प्रति आपको इतना हमदर्दी क्यों है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कारण उसकी दीदी, क्या नाम है उसका, कृष्णा। कृष्णा, कहीं वो तो नहीं कारण? इन गांव वालों को हो क्या गया है? समझाने से भी ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इनके हद के कारण आज चाहकर भी मैं बुलबुल को स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन सब झमेलों में मत पड़िए।
हम जैसे हैं ठीक है। 1995 की अक्षमता कानून के अनुसार विशेष रूप से सक्षम बच्चों को 17 साल की उम्र तक मुफ्त में शिक्षा मिलने का हक है। सामूहिक वाहनों में उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं होना अनिवार्य है। सरकार को उनके लिए मुफ्त के किताबें और कपड़े जुगाड़ करना अनिवार्य है। सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अक्षम विभाग के कमिश्नर के ऑफिस से वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए 3% नौकरी आरक्षित है। ये सब सिर्फ कहने की बात है सर, अक्षम लोग नौकरी कैसे करेंगे? देखो कृष्णा, अमेरिका की सर्वकाल की श्रेष्ठ वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स तुम्हारी भाषा में एक अक्षम व्यक्ति है। अमेरिका की वरिष्ठ दार्शनिक महिला हेलेन केलर सुन नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी। उन लोगों के तुलना में तुम्हारे बुलबुल का अक्षमता ना बराबर है। मैं भी चाहती हूँ कि बुलबुल अपने जिंदगी में कुछ करे, आगे बढ़े, लेकिन इस गांव में ये संभव नहीं है सर, और मेरे पास इतना साधन भी नहीं है कि मैं उसे इस नरक से दूर भेज सकूं। पर इच्छा तो है। हाँ है सर। रुक 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 रुक, देखो वो नया मास्टर जी है ना? हाँ हाँ, वो तो नया मास्टर जी ही है। देखो क्या रास लीला कर रहा है। देखो देखो पवन, अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे देखो मास्टर जी ने क्या रास लीला मना रहा है। अब आप ही बताइए इसके साथ क्या क्या जाए। चलो मेरे साथ। चलो चलो। बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अभिजीत, तुमने तो सच कहा था, ये लड़का जीनियस है। सचमुच बिना किसी से सीखे ये किसी का भी चित्र उतार सकता है। इस गांव के लोग तो बहुत ही भाग्यवान हैं, जो बुलबुल जैसे प्रतिभावान लड़का मिला है। अभिजीत, मैं इसके हित के लिए इसे और इसकी दीदी को शहर ले जाना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरपंच जी, सरपंच जी जरा रुकिए। सरपंच जी सुनिए, एक बात है। क्या? वो नया मास्टर जी ने गुंगे को गुवाहाटी ले जाएगा। क्यों? पढ़ाने के लिए। गुंगा करेगा पढ़ाई? शायद साथ में कृष्णा को भी ले जाएगा। क्या? हाँ। और मास्टर जी के साथ एक नया लड़की को भी देखा। तुम्हें कैसे पता चला? खुद आंखों से देख लिया मैंने। गुंगे की दीदी को भी साथ लेके जाएगा? हाँ। जाकर कहीं बेच डालेगा तो? हाँ। रोज ऐसे खबरें अखबार में छपते हैं। हाँ। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, गांव की इज्जत से खेलने नहीं देंगे हम। ठीक। बड़ा आया मास्टर बनने, कल एक मीटिंग बुलाओ। ठीक ठीक। सबको खबर दो। हाँ। उन लोगों को भी साथ ले आओ। जरूर। जाओ। ठीक है। हम अपने गांव के बच्चों को क्यों किसी अनजान लोगों के साथ अनजान शहर भेजे? इसकी जिंदगी सुधर जाएगी, आप लोगों के गांव का नाम रोशन करेगा। एक अपाहिज रोशन करेगा गांव का नाम। अभी अभी तो आपने कहा कि ये अपाहिज है, आपने तो इसके अब्जाई में पाबंदी लगा दी। हाँ लगाई है, क्योंकि ये लड़का मनहूस है। तो इस मनहूस से छुटकारा पाने का ये एक अच्छा मौका है, इसे गवाइए मत। जो भी हो, ये हमारे गाँव का मामला है,
आप कौन हो रहे हैं दखल अंदाज करने वाली? दखल अंदाजी तो आप कर रहे हैं निरंजन चाचा, हमारी जिंदगी में। क्या कह रही है बेटी? ये लोग बाहर वाले हैं, तुम दोनों को शहर ले जाकर कहीं बेच डालेगा। मौका मिलते ही आप हम पर टूट पड़ना चाहते थे और अब अचानक मैं आपकी बेटी बन गई। सर, हम शहर जरूर जाएंगे। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये क्या ले आए? ये देखिए, ये लीजिए, इसे गौर से देखिए, लीजिए, ये लीजिए, आप भी लीजिए और आप भी देखिए, गौर से देखिए आप लोग। से कोई ऐसा चित्र बना सकते हैं? बुलबुल भी हम जैसे ही इंसान है, ये आप और हमारे जैसे सोच सकता है, ये सुख और दुख को महसूस कर सकता है। मैं एक ऐसे स्कूल की शिक्षिका हूँ जहाँ बुलबुल जैसे कई बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं उसे शहर ले जाना चाहती हूँ। तुम बुलबुल को ले जाओ बेटी। आज मुझे एहसास हुआ है, जाने अनजाने में इस मासूम के प्रति हम लोग कितने अन्याय किया है। लेकिन मेरे रहते हुए? अरे क्या उखर लेगा तू, क्या उखर लेगा? ए, 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 तमीज से बात कर, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अरे मुखिया बनाया किसने? हम लोगों ने ही बनाया है कि नहीं भाइयों, है कि नहीं? और जैसे बना सकता है वैसे तोड़ भी सकते है, समझा? Come in, ma'am. हाँ नीलाक्षी, आओ। नीलाक्षी, कौन है ये लोग? मैम, ये मेरे दोस्त हैं अभिजीत। नमस्ते। ये बुलबुल है और ये इसकी दीदी। जी, तू फिर आ गया बेटा। आज तुम्हें देने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं। आज लेने के लिए नहीं आया हूँ चाचा जी, वापस करने के लिए आया हूँ। क्या? भगवान को लाख लाख प्रणाम जो तुम्हें यहाँ भेज दिया। आज सचमुच हमारे पैसों की बहुत जरूरत है। आपको कैसे पता है कि मैंने आपका पैसा चुराया था? तुम्हारा स्पर्श और गंध से बेटा। आप मुझे माफ कर दीजिए चाचा। माफ तब किया जाता है जब कोई गलत करता है। शायद तुमको उस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए तूने लिया था। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? कैसा? कितने ऊंचे विचार है आपके। मेरे पैसे से तुम्हारा काम तो बन गया ना बेटा। जी चाचा जी, बहुत अच्छा से बन गया। अब मैं चलता हूँ चाचा जी। ठीक है बेटा, सदा खुश रहो।
बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या बातें हो रही थी चाचा के साथ? तुम उन लोगों को जानते हो? हाँ, गायक है, कभी भी भिक्षा नहीं मांगते हैं। लेकिन क्या बात हो रही थी? एक बहुत पुराना हिसाब बाकी था, आज निपटा दूंगा। हिसाब? कैसा हिसाब? बाद में बताऊंगा, अब चलो। आलू, आलू, पताका, पताका। बुलबुल कैसे हो? ठीक हो ना? बुलबुल कैसे हो तुम? ठीक हो? अच्छा लग रहा है। देखो पहले तुम्हें मिलने कौन आया है। बुलबुल कैसे हो बेटा? सब ठीक है? खेल रहे हो? मास्टर जी सल्टा हूँ। हाँ है मास्टर जी, आप इतना असना क्यों खुश हैं? अरे खुशी की ही बात है, अपना बुलबुल बराक भी बन गया है। देखो, अरे देखो उसकी तस्वीर अखबार में छपी है। क्या सच में? एक बार मुझे भी तो दिखाइए। देखो, अरे वाह, इसे कहते हैं लात मार के गंगा में गिराना। इसे यहाँ से भगाकर अच्छा ही किया। हाँ, यही पड़े सड़े रहते, कुछ हद तक मैं भी उसके लिए कसूरवार हूँ। कैसे? बिना सोचे समझे मैं भी उसे मनहूस समझता था। सच कहूँ तो मैं भी। ठीक है, मैं चलता हूँ।
बैठिए, बैठ जाइए। गांव वालों, आज बुलबुल बरुआ को इस मुकाम तक पहुंचाने की जो प्रयास, वो सिर्फ अभिजीत बरुआ का ही नहीं है, बल्कि उनके दोस्त नीलाक्षी देवी को भी मिलना चाहिए। और नीलाक्षी देवी आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहती है, ध्यान से सुनिए। नमस्ते, ये है बुलबुल बरुआ, आप ही के गांव का लड़का। और आज बुलबुल को अपने गांव आकर बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने शायद हेलेन केलर का नाम नहीं सुना होगा। वो एक अमेरिकन लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षिका थी। 11 माह की अवस्था में एक बीमारी के कारण उनकी दृष्टि और श्रवण शक्ति छीन ली गई, लेकिन वो कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन थी। स्टीफन विलियन हॉकिंग, जो एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, और इत्तेफाक से वो भी बुलबुल की तरह ही विकलांग है। उन्होंने कहा था, हमारी बुद्धिमत्ता की उपलब्धि हमें बोलने से मिलती है, लेकिन दुर्भाग्यवश सृष्टिकर्ता की इस दुर्लभ भेंट से ये वंचित रह गया। लेकिन सौभाग्य से अभिजीत उसे मिल गया, और फिर अभिजीत ने मुझे उसे मिलवाया। और जब मैंने उसकी कला को देखा तो मैं आश्चर्य रह गई, और फिर मैंने उसे अपने साथ शहर ले गई। बुलबुल को विश्वास है कि कोई भी काम सच्चे मन और लगन से किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं, और आज बुलबुल ने वही करके दिखाया। आज बुलबुल जिस मुकाम में पहुंचा है उसका श्रेय आप लोगों को भी जाता है, क्योंकि अगर आप लोग उसे स्कूल जाने से नहीं रोकते तो ना ही वो अभिजीत से मिलता, ना मुझसे, और ना ही वो शहर जा पाता। आज बुलबुल खुश है, बहुत खुश है। आज सचमुच मैं शर्मिंदा हूं। एक दिन इस लड़के को मनहूस समझकर हम लोगों ने गांव से दूर भगाया था। आज वही लड़का बुलबुल बरुआ ने गांव का नाम रोशन किया, देश के लिए सम्मान ले आया। तब तो मैं ना समझता, मेरे अहंकार ने आज मुझे अच्छी तरह से सिखा दिया। आज मैं उनसे माफी चाहता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दो।